जय हिंद साथियों, नमेडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन है। आज 15/9/2024 है। आज का हमारा ब्लॉग है, एक ट्रेन है फाजिलका से चलती है, पैसेंजर है 04552 नंबर इसका है। ये फाजिलका से चल के बठिंडा जाती है वाया अबोहर होते हुए। फाजिलका है ना जो एक जंक्शन स्टेशन है, तो फाजिलका से एक लाइन तो जाती है फिरोजपुर, एक लाइन जाती है बठिंडा बाया अबोहर होके, और एक लाइन जाती है बठिंडा बाया मुक्तसर और कोटकपूरा होके। तो इसलिए इसको जंक्शन स्टेशन कहते हैं। ये फाजिलका का रेलवे स्टेशन है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है अपना अमृत भारत स्कीम के अंदर। जो ये फाजिलका है ना, ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो फाजिलका का वैसे पहले भी पीछे मैंने ब्लॉग डाला था फिरोजपुर से फाजिलका तक का, तो बहुत लोगों को धन्यवाद जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए और बड़ी शिद्दत से उस ब्लॉग को देखा, तो और अपने गांव देहात को याद किया। वैसे हम सब लोग ना बेसिकली तो गांव से ही रिलेट करते हैं, अब शहरों में रहने लग गए। जो हमारी अगली जनरेशन है वो तो चलो शहर की है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है तकरीबन जो जिसका 60-70-80 का वर्ष है ना, वो गांव से ही रिलेटेड है, तो उनको गांव देहात देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये फाजिलका का रेलवे स्टेशन काफ़ी बढ़िया इसको बनाया जा रहा है। तो ये जो फाजिलका है ना, ये ट्रांस जो अफ़गानिस्तान पाइपलाइन है, मैंने पहले भी बताया, जो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर उसका एंड फाजिलका में होगा। तो मलवई और बागड़ी इसका जो यहाँ पे लैंग्वेज जो डायलैक्ट है यहाँ का, मियाँ फजल वट्टू है उसकी ज़मीन थी ये। यहाँ पे ना 50% पहले मुस्लिम रहते थे, राजपूत, और पार्टीशन के बाद फिर वो पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ की ना तिल्ले वाली जुत्ती बड़ी मशहूर है, हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह जी, वो खरीदते यहाँ से, कैरों जी से हमारे चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह जी थे, और सुखबीर बादल जी जो डिप्टी सीएम जो रहे हैं वो भी तिल्ले वाली जुत्ती यहाँ से लेते थे। एक्चुअली इसको बंगला कहते हैं, इसका नाम बंगला भी है। 1844 CE में इसका J.H. ओलिवर ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, और जो फिर बाद में भावलपुर प्रिंसली स्टेट में इसको मर्ज कर दिया गया है। ये बहुत ना एक बुशी और अनकल्टिवेटेड एरिया होता था, इसको J.H. ओलिवर ने ना ट्रेडिंग हब एज ए इसको विकसित किया था, और वूल का यहाँ पे ना बड़ा पार्टीशन तक वूल का काफ़ी यहाँ पर अपना व्यापार होता था। ये टिकट हमने ले लिया 30 रुपये की, ट्रेन ये उधर से ही आई है, और तकरीबन 1:15 का टाइम है, 12:40 पे ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई है। तो पंजाब और सिंध के अंदर इसकी जो ट्रेडिंग हब के रूप में इसको विकसित किया गया था, वूल ट्रेडिंग इसमें होती थी। 50% यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना वो राजपूत मुस्लिम्स की होती थी पहले। तो ये ट्रेन हमारी आ गई है, ये तो फाजिलका के बारे में मैंने जो पढ़ा है वो बता दिया, अगर कुछ गलती हो गई है तो कृपया करेक्ट करवा देना, तो बिकॉज पढ़ के ही कुछ पता चलता है। इसका अब इंजन परली साइड से हटा के तो इस साइड में लगा दिया जाएगा। ये एक देखो, ये इंजन ना इसका वहाँ से हटा के पिछली साइड से इधर आ रहा है, डीजल इंजन है। वैसे ये अपना इलेक्ट्रीफाई हो चुका है ये जो सेक्शन है, तो इसको इसके ऊपर गाड़ियाँ भी डीजल वाली चल रही हैं, जो पुराने डीजल इंजन है उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो ये एक DMU ट्रेन नहीं है, ये वैसी ट्रेन है, दूसरी एक मेल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन इसके ऊपर लिखा हुआ है। फाजिलका से ना बठिंडा के लिए 5 गाड़ियाँ हैं दिन में, 2 तो एक्सप्रेस ट्रेन है, 2 DMU है, और एक ये पैसेंजर है। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है, एक तो दिल्ली जाती है 2:05 पे चलती है, और एक जाती है रिवाड़ी 8:45 का टाइम है उसका शायद। और DMU गाड़ियाँ दो है, एक 2:35 पे है और एक है 4:15 पे। 2:35 मीन्स आप रात के 2:35 मानो, तो एक 4:15 पे है। और एक पैसेंजर गाड़ी है, ये जो पैसेंजर गाड़ी है ये 1:15 का टाइम है, ये बाया अबोहर जाती है। जो DMU गाड़ियाँ हैं ना वो बाया मुक्तसर जाती हैं। तो ये जो हमारी गाड़ी है ये चलती है यहाँ से 1:15 पे, और इसका बठिंडा पहुँचने का जो टाइम है 4:55 है, 3 घंटे 40 मिनट ये लगाती है। और ये टोटल 116 किलोमीटर का इसका
सफ़र है। अब ये गाड़ी हमारी यहाँ से चल पड़ी है, इसका डिपार्चर हो चुका है दोपहर के 1:15 की बजाय 1:17-2 ये लेट चली है। ये जो फाजिलका का स्टेशन है ये लेफ़्ट साइड में आता है। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि कटास राज यहाँ के जो लोग हैं ना वो काफ़ी जाते हैं अपना अब माथा टेकने के लिए। अगर ये सही पड़ा है तो कृपया मेरे को इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा देना, अगर नहीं है तो भी बता देना। तो ये फाजिलका से हमारा इस गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। इसमें ना जो इंजन है डीजल वाला ना उसकी साउंड बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो कुछ सालों तक ये पास्ट जैसे अब स्टीम इंजन कहीं दिखते ही नहीं है ना, कहीं कहीं एक आध आपको दिख जाएगा। तो कोई ज़माना आएगा तो डीजल इंजन भी पास्ट के हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक इंजन ही रह जाएंगे। ये फाजिलका का स्टेशन काफ़ी बड़ा प्लेटफार्म है इसका, इस साइड में ये प्लेटफार्म है और दूसरी साइड में ना परली साइड में नहीं, मतलब इसके जिधर से ये गाड़ी आ रही है ना उसके पिछली साइड में जो पुल है ना, पुल को क्रॉस करके पीछे जो स्टेशन बना हुआ है तो उस स्टेशन से गाड़ियाँ फिरोजपुर के लिए चलती हैं यहाँ से, और कोटकपूरा के लिए भी जो लाइन है वो भी उधर से ही है शायद। तो यहाँ से अब हमारा अटवार, अब आप देखो जाके ये प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ है। तो अब आप पंजाब के जो खेत हैं उनको इंजॉय करो, और जो गाड़ी के जो डीजल की आवाज़ है ना उसको इंजॉय करते करते अब इस ट्रैवल को आप अपना पूरा करो। ये सिग्नल क्रॉस हो गया है। तो इस गाड़ी की ना स्टार्टिंग में स्पीड काफ़ी कम रहती है। ये फाजिलका स्टेशन का दूसरा साइड है, देखो 4-5 लाइनें यहाँ बनी हुई हैं, उधर भी एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सामान। अब खेत देख लो अपना कितनी ग्रीनरी हो रखी है आजकल पंजाब में, बिकॉज अभी पैडी हार्वेस्ट नहीं हुई है, तो पैडी ने बिल्कुल पंजाब को हरा भरा बना रखा है। तो ये एक लेवल क्रॉसिंग आ गया है, इस लेवल क्रॉसिंग के ऊपर कोई अभी वो जो अंडरपास है वो नहीं बना हुआ। अगला ये स्टेशन हमारा आ गया है जांडवाला खरता, JWKA इसका कोड है जांडवाला खरता। ये स्टेशन भी हमारा लेफ्ट साइड में आया है। तो जांडवाला खरता एक ये गांव का छोटा सा स्टेशन है, फाजिलका के आसपास ही है, कोई ज़्यादा इसका डिस्टेंस है नहीं है। तो इस स्टेशन के ऊपर आपने देखा ये काफ़ी पेड़ वगैरह छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो ये स्टेशन अब गार्ड साहब ने झंडी दे दिया, गाड़ी हमारी जांडवाला खरता से चल पड़ी है। तो यहाँ से इसका चलने का टाइम था 1:25, 1:28 पे ये गाड़ी यहाँ से हमारी चली है, 3 मिनट का ये डिले हो गया इसका। तो अब ज़्यादा इंजॉय करो इस सफ़र को। तो अब देखो ये पंजाब के जो स्टेशन हैं इनमें मोस्टली लिखा होता है एक पंजाबी में, इंग्लिश में और हिंदी में, तो जो साइन बोर्ड होते हैं। तो आगे आप गाड़ी का जो सिग्नल है और क्रॉस हो गया है, साथ पेड़ भी लगे हुए हैं, तो जिससे कि ये जो आपका ट्रैवल है ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अगले स्टेशन के लिए गाड़ी हमारी थोड़ी लेफ्ट साइड में टर्न हो गई है। तो इस गाड़ी के अंदर चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं, वॉशरूम भी बने हुए हैं बैठने के लिए, और लेटने की जगह भी है, कोई ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा नहीं है। अगला हमारा ये स्टेशन आ गया, इसका नाम है खुईखेड़ा। खुईखेड़ा का जो कोड है KUKA है। तो ये भी एक छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पे भी जो प्लेटफॉर्म है रेलवे ने ऊंचा बना दिया, शेड भी बना हुआ है यहाँ पे, तो स्टेशन की बिल्डिंग भी बढ़िया बनी हुई है, बेंच वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन खाने पीने के लिए कोई यहाँ पे स्टॉल नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना हुआ है। ये खुईखेड़ा का स्टेशन देखो। वैसे रेलवे ने अपना काफ़ी ये जो लाइनें हैं मैंने देखी हैं, तो उस पर जो स्टेशन है ना उनको ऊँचा काफ़ी कर दिया, जिससे कि गाड़ी को बोर्ड और डी बोर्ड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मेट्रो की तरह तो नहीं है कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म बराबर ही आ जाता, लेकिन फिर भी काफ़ी आ जाता है। जिन लोगों के घुटनों वगैरह में कुछ दिक्कत है या कोई सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। तो स्टेशन को पक्का भी कर दिया गया है,
तो एक मैंने ब्लॉग डाला था अपना, जो डेरा बाबा नानक वाली ट्रेन का शायद आप लोगों ने देखा होगा, वेरका से चलती है, अमृतसर वेरका से, तो वहाँ पे उस लाइन पे मैंने देखा जो बिल्कुल अपना जो प्लेटफॉर्म है ना वो ऐसे हैं छोटे छोटे कच्चे कच्चे। यहाँ पे दूसरी साइड भी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, दो लाइनें हैं जहाँ पे रेलवे की क्रॉसिंग का भी प्रावधान हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में ये जो हमारा स्टेशन आया है यहाँ से कुईखेड़ा से हमारी गाड़ी का ये डिपार्चर हो चुका है। कुईखेड़ा से इसका चलने का टाइम था 1:36 और 1:42 पे ये चली है, 6 मिनट का डिले यहाँ पे हो गया है। मेरे ख्याल में रेलवे की कोई ही गाड़ी होगी जो अपने शेड्यूल टाइम के ऊपर को मेंटेन करके रखती है। तो ये जो पैसेंजर गाड़ियाँ इनमें तो किराया बहुत कम होता है, प्रायोरिटी भी बहुत कम होती है। ऐसे जो सेक्शन है ना ये वाले, जैसे जो रूरल सेक्शन है, इनमें तो ये हो जाता है कि एक्सप्रेस गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं ना, ज़्यादा कोई क्रॉस होते हैं, इसलिए गाड़ी का जो टाइमिंग है ना वो तकरीबन थोड़ा बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट इधर उधर होता रहता है। अदरवाइज जिन सेक्शन पे एक्सप्रेस गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं ना वहाँ पे उनको प्रायोरिटी मिलती है, और इन गाड़ियों को बेचारियों को ना एक कॉर्नर में लगा के रखते हैं, जब टाइम मिला चला दिया, टाइम मिला रोक दिया। तो एक्सप्रेस गाड़ियों की जो प्रायोरिटी है उसके कारण इनको काफ़ी डिले कर दिया जाता है। अब आप डीजल इंजन चलने की आवाज़ भी साथ साथ एंजॉय करते जाओ। और ये कपास का खेत है शायद, और यहाँ पे भट्ठे भी लगे हुए हैं, और एक ये भी देखो आगे छोटी सी ये नहर है, इस नहर का नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट करके प्लीज़ बता देना। तो अब गाड़ी हमारी ने काफ़ी स्पीड पकड़ ली है। ये खेत तो खाली पड़े हैं कुछ, ये देखो ये इधर कपास काफ़ी लगाई जाती है, आपने देखे होंगे ये बीच बीच में ना कपास के खेत आपको दिखाएं। ये छोटे छोटे जो सूए हैं ये भी यहाँ पे काफ़ी बने हुए हैं, ये भी शायद कपास का खेत ही है। तो इस इलाके में ना कपास जड़ी है ना वो काफ़ी अपना बोई जाती है। तो ये जो फाजिल का अबोहर वाली बेल्ट है ना इसमें तकरीबन आपको काफ़ी कपास दिख जाएगी। अगला स्टेशन हमारा आ गया गल्लू, GHLU इसका कोड है। ये भी एक छोटा सा एक रूरल स्टेशन है, छोटा सा। देखो यहाँ पे कुछ आपको कोई बिल्डिंग बुल्डिंग तो नज़र आ ही नहीं रही। तो गल्लू से हमारी ये गाड़ी अब चल पड़ी है, तो इसका प्लेटफॉर्म ही ऊपर है। गल्लू से इसका जो चलने का टाइम था वो था 1:46, 1:51 पे चली है। ये स्टेशन हमारा राइट साइड में आया है, तो 5 मिनट यहाँ पर डिले हो गया ये गाड़ी। गल्लू वाला जो स्टेशन वो राइट साइड में था। तो आगे अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है, स्पीड इसकी काफ़ी है, एंजॉय करते रहिए। ये पता नहीं क्या मॉन्यूमेंट से बने हुए हैं, ये भी छोटा सा एक सुआ निकल के गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ, लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है कि तो वीडियो लंबा हो जाता है। सेकेंडली इसमें ना जब मैं शूट करता हूँ ना तो उसमें कई लोग ना अपना जो अपना डोर है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर बार बार उनको उठाना थोड़ा मेरे को अजीब लगता है। अगला ये हमारा स्टेशन आ गया है चूड़ी वाला धन्ना, CWDS इसका कोड है। ये स्टेशन भी राइट साइड में आया है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी RCC का बना हुआ है, ऊंचा है लेवल इसका, ग्राउंड लेवल नहीं है। तो इसके ऊपर भी पेड़ वगैरह भी कुछ लगे हुए हैं, और ये भी छोटा सा एक गांव आपको दिख जाएगा, गांव का स्टेशन। तो ये एक छोटी सी इधर शेड बना रखी है। आगे ये स्टेशन के लिए ये बड़ी शेड भी है, ये स्टेशन की बिल्डिंग है। राइट साइड में ये स्टेशन है चूहड़ी वाला धन्ना, बेंच वगैरह लगे हुए हैं, पंखे हैं, खाने पीने की जहाँ व्यवस्था नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म इधर नंबर 1 लिखा हुआ है। तो दूसरी अपना साइड में देखता हूँ जाके, उधर एक भाई साहब बैठे हैं अगर, हाँ दूसरी साइड में भी दो लाइनें बनी हुई हैं, प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ पे भी क्रॉसिंग हो सकती है। तो देखो इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है इसको पूरा ट्रैक, 3 ट्रैक जहाँ पे बने हुए हैं, एक पे हमारी गाड़ी है, वो प्लेटफॉर्म है, एक बीच में क्रॉसिंग के लिए लाइन है। तो ये स्टेशन के बारे में अगर किसी को इसकी हिस्ट्री पता है कि ये चूड़ी वाला धन्ना यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है,
तो कमेंट करके बता देना। कई बार होता है ना, लोकल लोग जो होते हैं ना वो देखते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। यहाँ पे देखो हमारा क्रॉस पड़ गया, तो एक इधर से ये गाड़ी आई है, अबोहर की तरफ से ये गाड़ी आई है, ये भी जा रही है अपना फाजिलका की ओर। ये गाड़ी के को भी देखा आपने, डीजल का इंजन लगा हुआ है। तो इस गाड़ी का क्रॉस यहाँ पे, उसके कारण थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग गया गाड़ी को खड़े हुए। तो यहाँ से अब हमारी ये गाड़ी चल पड़ी है, 1:55 चलने का टाइम था, 2:07 पे चली है, 12 मिनट का डिले हो गया। पहले आपने देखा 5-6 मिनट का था, तो 5-6 मिनट का डिले इस क्रॉस के कारण यहाँ पे हो गया है। ओवरटेक तो अभी इस गाड़ी को किसी ने किया नहीं है, ना मेरे ख्याल में कोई करेगी। इधर भी देखो कपास के खेत, अभी ये एक लेवल क्रॉसिंग भी आपने देख लिया। यहाँ पे ये जो अनमैन्ड फाटक थे ना, उस पर तो रेलवे ने अंडरब्रिज बना दिए हैं, लेकिन जहाँ पे कोई स्टाफ इनका ऑलरेडी था मेरे ख्याल में, वहाँ पे इन्होंने अभी अंडरब्रिज नहीं बनाया। देखो धुआं कितना निकला है, गाड़ी अपना पूरा जोर लगा के चलनी शुरू हो गई है। ये वैसे DMU जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो स्पीड बड़ी जल्दी पकड़ लेती हैं। DMU हुई या EMEMU हुई है, वो बड़ी जल्दी, लेकिन ये वाली जो गाड़ियाँ इंजन वाली है ना, इसको स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अभी एक हाईवे है, उसके नीचे से हमारी गाड़ी निकल रही है। तो यहाँ पे एक और पुल भी बन रहा है, तो साथ साथ में खेत देखते जाओ, इंजॉय करते जाओ। तो इस साइड में अब देखो अगला हमारा स्टेशन आ गया है, इसका नाम है बुर्ज मुहार, BJMA इसका कोड है। ये स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग है, ये भी राइट साइड में ही आया है। तो बुर्ज मुहार स्टेशन का एंजॉय करो आप, खेतों के बीच में कितनी प्यारी ब्यूटी है। शहरों में जाओगे ना, चारों तरफ आपको कोई पोल्यूशन दिखेगा, कोई गाड़ियाँ दिखेंगी, गाड़ियों की आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन, इनमें कितनी मन में शांति मिलती है। देखो इधर खेत, दूसरी साइड खेत, सिंगल लाइन, बीच में अपना चील मार मार के मारते हुए सफ़र करो। तो बुर्ज मुहार से ये हमारी गाड़ी चल चुकी है, बुर्ज मुहार से इसका चलने का टाइम था 2:18, 2:19 पे चली है, 1 मिनट का सिर्फ डिले रह गया। यहाँ पे देखो पैसेंजर भी मेरे ख्याल ये एक दो ही उतरे हैं और एक दो ही बोर्ड किए हैं। तो बुर्ज मुहार से ये हमारी गाड़ी अब चल के अपना गंतव्य की तरफ बढ़ रही है। तो बुर्ज मुहार के बारे में अगर कोई लोकल देख रहा है, तो इसकी हिस्ट्री या यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है उसके बारे में बताना है। अब गाड़ी हमारी आगे बढ़ती जा रही है, कुछ कुछ ना बड़े पेड़ नहीं है इस लाइन के साइड में, छोटे छोटे, जैसे ये कटियाले से भी। अब ये लाइन आ गई है, ये आती है बठिंडा से, तो ये बठिंडा वाली लाइन है। तो बठिंडा वाली लाइन हमारी लाइन में मर्ज हो गई है यहाँ पे। मेरे ख्याल में अब हम अबोहर पहुँचने वाले हैं। तो अबोहर जो है, ये भी एक पंजाब का काफ़ी बड़ा टाउन है। अबोहर ना किन्नू प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे तकरीबन 60% आप मानो किन्नू यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है ना, वो 18,650 स्क्वायर हेक्टर में फैली हुई है। तो इसमें काफ़ी फार्म लैंड भी है, विलेजेस भी हैं। तो ब्लैक बक्स यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, तो बिश्नोई लोग जो होते हैं ना, वो ब्लैक बक्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जो वेजिटेशन है या प्लांट्स है उनको काफ़ी वो बचा के रखते हैं। तो अबोहर ये हमारी अब गाड़ी पहुंच गई है, ABS इसका कोड है। लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म आया है, और राइट साइड में, वैसे तो जो स्टेशन की बिल्डिंग है ना वो राइट साइड में है, और जो प्लेटफॉर्म है ये लेफ्ट साइड में आया है। यहाँ पे ये एक शेड बना हुआ है, ये सेकेंडरी प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है मेरे ख्याल में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो मेन है वो अपना आया है ये राइट साइड में। यहाँ पे भी कुछ काम रीडेवलपमेंट का चल रहा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा काफ़ी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी इस स्टेशन के ऊपर है। प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबे हैं, स्टेशन की बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ी बनी हुई है, और वो झंडा लगा हुआ है हमारा तिरंगा, जो हमारे देश की शान है। ये काफ़ी बड़ा शेड है, यहाँ पे देखो
बना हुआ है और एक शेड आगे भी बना हुआ है, दो डबल शेड है। ऊपर ये ब्रिज भी है क्रॉस करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए, लेकिन हम लोग का इसको अवॉइड ही कर देते हैं बिकॉज इसमें तकरीबन 40-50 सीढ़ियाँ होती हैं, उसको चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। रेलवे को कुछ ऐसा और बनाना चाहिए जिससे कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि एस्कालेटर लग जाएं सभी, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि ये जो सीनियर सिटीजन है या जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, लेडीज़ हैं, तो ये इतनी 50 सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारी गाड़ी का रिवर्सल है, ये इंजन यहाँ से इसको डिटैच किया जा रहा है। ये मैडम है, लेडी स्टाफ है देखो रेलवे की, जो रेलवे का इंजन डिटैच करने में हेल्प कर रही है। तो काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है, को आगे भी पुल बना हुआ है, यहाँ पे हमारी गाड़ी का रिवर्सल होगा। ये आगे गंगानगर लाइन चली जाती है, ये जो मेन पंजाब का स्टेशन है ना, तो लास्ट स्टेशन यही है, इसके आगे छोटे छोटे दो तीन स्टेशन और पड़ते हैं, उसके बाद फिर राजस्थान शुरू हो जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म नंबर एक पे काफ़ी लोग हैं, तो इंजन इधर से खुल के हमारा आ गया। ये गाड़ी आ गई गंगानगर से चलकर अंबाला जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस है। तो काफ़ी देर ये ट्रेन यहाँ हमारी खड़ी रही है। यहाँ पे ना टाइम चलने का इसका, वैसे जो रेलवे की जो NTEs साइट है ना, 2:40 लिखा हुआ है, लेकिन बता रहे थे कि ये 3:30 का यहाँ पे शेड्यूल टाइम है इसका। तो साइट में और एक्चुअली चलने टाइम में ना डिफरेंस है। तो चली भी गाड़ी यहाँ से, ये जो गंगानगर वाली और अम्बाला वाली इंटरसिटी है यहाँ से चल गई है। उतनी देर वो हम इंजन अब देखो उतार के इस सेंटर लाइन पे खड़ा कर रखा है, हमारे वाली ट्रेन में अटैच नहीं किया है। तो ये गंगानगर वाली गाड़ी, गंगानगर से चलकर अम्बाला जाने वाली गाड़ी यहाँ से चल गई। काफ़ी लोग बोर्ड हुए हैं इस गाड़ी में, तो काफ़ी मेरे ख्याल में ये इस ट्रैक की फेमस गाड़ी है। ये पानी पिलाने वाले भी यहाँ पे जो सेवा करते हैं ना, वो खड़े हुए हैं, जो गाड़ी के साथ साथ अपनी ये ट्रॉली लेकर घूमते हैं, किसी को पानी पीने की ज़रूरत है तो पानी पिला देते हैं। अब ये गाड़ी हमारी यहाँ से चल पड़ी है। वैसे उनका कहना जो 3:30 वाले वो ठीक है, 3:33 पर ये चली है, तो 2:40 पर तो चली नहीं है। तो यहाँ से ये गाड़ी हमारी 3 मिनट डिले से चली है। वैसे अगर साइड के हिसाब से देखा जाए तब इसका डिले हो गया है तकरीबन 33 मिनट का। तो ये फाजिलका वाली लाइन है जिससे अब हम अभी अभी आए हैं, तो अब बठिंडा वाली लाइन के ऊपर हम बढ़ रहे हैं। ये एक वाई शेप लाइन बनी हुई है, वेजिटेशन आप देख लो, कपास की यहाँ पे काफ़ी हब होती थी कोई ज़माना था, इस एरिया में इतनी कपास होती, वाइट गोल्ड जिसको कहा जाता है। जब से ये सुंडी पड़ने लग गई है ना, उसके बाद लोगों ने कपास लगानी कम कर दी। अगला ये हमारा स्टेशन आ गया, इसका नाम है भावलबसी, BFE इसका कोड है। ये भी एक छोटा सा स्टेशन है, तो छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, प्लेटफॉर्म भी कोई यहाँ पर हाई लेवल का मेरे ख्याल नहीं बनाया, छोटा ही है, नीचे वाला ही है, यहाँ पर तो है ही नहीं। तो लोग यहाँ पे बोर्ड करने के लिए खड़े हैं, बबूल के छोटे छोटे कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं। तो दूसरी साइड में कोई लाइन तो है नहीं, सिंगल ही लाइन है, तो वो हॉल्ट टाइप ही है ये स्टेशन। यहाँ से ये हमारी गाड़ी अब चल पड़ी है भावलबसी से इसका चलने का जो टाइम था वो था 3:40 पर, 3:42 पर ये चली है। लेफ्ट साइड में ये स्टेशन आया, 2 मिनट का डिले हो गया है यहाँ से पर इसका। अब आप गाड़ी की साउंड एंजॉय करो। अब अगला स्टेशन हमारा आ गया है, ये भी एक छोटा सा हार्ड साइज स्टेशन लग रहा है, इसका नाम है पक्की, कोड है इसका PKK। यहाँ भी एक शेड सा बना हुआ है, ये वॉशरूम की फैसिलिटी है, और ये एक और शेड रेन शेल्टर बना हुआ है। लेफ्ट साइड में ये स्टेशन आया, ये ऊपर मचान सा बना के उस पर बेंच लगा रखे हैं, और ये पुराने स्टाइल की बिल्डिंग है स्टेशन की,
वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने की याद दिलाती है। पेड़ काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं, नई बिल्डिंग भी बनी हुई है, लोग यहाँ पे बोर्ड करने के लिए खड़े। दूसरी साइड में ये एक रैक खड़ा है प्लेटफॉर्म वाला, दो तीन लाइनें हैं यहाँ पे। तो इस गाड़ी ने का यहाँ से डिपार्चर हो गया है। यहाँ से इसका जो चलने का टाइम था वो था 3:50 और 3:51 पे चली है। लेफ़्ट साइड में स्टेशन आया है, 1 मिनट का डिले इस गाड़ी का यहाँ पे हो गया है। इतना तो चलता ही है, ये तो देखने में भी मेरे को शायद हो गया है, तो हो सकता टाइम पे चली हो। 1 मिनट क्या होता है, रेलवे के लिए तो 1 घंटा कुछ नहीं है, ये तो 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आगे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे बड़े बड़े खेत, वेजिटेशन, ग्रीनरी, इन्जॉयमेंट, पूरी ट्रैवल की सस्ता सफ़र हर गांव तक पहुंचाता हुआ, मतलब आपको लास्ट अपने घर के आसपास ही पहुंचा देगा। बिकॉज आप जब बाहर से आते हो ना तो बड़े स्टेशन पे एक्सप्रेस गाड़ी आपको उतार देती है, तो अपने गांव जाने के लिए सस्ते में ये गाड़ी आपको पहुंचा देगी। बाकी ये थोड़ा सा गंद काफ़ी पड़ा हुआ है, हम कहते तो हैं स्वच्छ भारत लेकिन हो नहीं सकता। अगला स्टेशन हमारा आ गया है मलोट। मलोट का जो कोड है वो है MOT। ये यहाँ पे स्टेशन ये काफ़ी बड़ा है। अच्छा, मलोट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी कॉटन बेल्ट जो है ना वो थी, मतलब इंडिया में कॉटन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे होती थी। यहाँ पे ना पार्टीशन से पहले जो भट्टी राजपूत मुस्लिम है ना वो काफ़ी रहते थे, तो उसके बारे में अंग्रेज़ों ने ना ये जो लाइन है 1917 में ना जो बठिंडा कराची लाइन बनाई थी अपना माल भेजने के लिए, तो वो लाइन के ऊपर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे काफ़ी काम हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी मतलब मशहूर था। और जो एक्सपोर्ट को बोलते हैं ना माल आउट हो गया, तो माल आउट के नाम से इसको ना मलोट बोल देते हैं, नाम इसका पड़ गया। अब यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, पंखे लगे हुए हैं, तो स्टेशन के ऊपर इसको भी काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। तो आप ये देखो यहाँ पे ये जो आप ये देखो ये बोर्ड, इस पे पंजाबी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश चार लैंग्वेज में देखा है लिखा हुआ है। बाकी मैंने देखा मोस्टली पंजाब में ना 3 लैंग्वेज ही लिखी होती हैं, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। पर इस सेक्शन में मैंने ये बात नोट की कि ये जो अपना अबोहर से लेकर ना बठिंडा वाला जो सेक्शन है इस पे मैंने देखा उर्दू भी साथ में लिखा हुआ, या तो यहाँ पे उर्दू जानने वाले लोग काफ़ी हैं या इसका कुछ रीज़न मेरे को समझ नहीं आया, अगर किसी को पता है तो बताना। तो ये हाईवे कुछ बन रहा है, आगे छोटे छोटे आपको नहरें सूए इधर दिखते रहेंगे। तो अगला स्टेशन हमारा आ गया है, अगले स्टेशन के ऊपर हमारी गाड़ी एंटर हो चुकी है। इस स्टेशन का नाम है फकरसर, इसका कोड है FSR। ये भी एक छोटा सा स्टेशन है, ईंटें लगी हुई हैं यहाँ पे, अभी RCC भी नहीं है, बेंच भी कुछ पुराने स्टाइल के ही लगे हुए हैं, तो लेकिन लोग काफ़ी हैं यहाँ पे, बैठे हुए भी हैं, किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और इसमें शायद बोर्ड होने हैं। तो स्टेशन की बिल्डिंग आपने देखी हुई है, ये बेंच तो तोड़ ही दिया है लोगों ने। अब फकरसर से ये गाड़ी हमारी डिपार्ट हो गई है। फकरसर से इसका जो डिपार्चर टाइम था वो था 4:13, 4:14 पे चली है सिर्फ, ये भी 1 मिनट का ही डिले है। लेफ़्ट साइड में स्टेशन था ये, आपने देखा ही होगा। तो आगे अब बठिंडा की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अब पैडी, कॉटन की जगह पैडी ने अपना वर्चस्व बना लिया है। जब से ना ये कॉटन में कोई सुंडी की प्रॉब्लम, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, आगे ना उसके बाद से कॉटन लगानी यहाँ पे लोगों ने काफ़ी कम कर दी है। पहले इधर जिनिंग मिलें बहुत होती थी, अब शेलर लग गए हैं उसकी जगह राइस को निकालने वाले। अब ये कुछ था बिल्डिंग। अच्छा, एक इस लाइन में मैंने देखा ये पिंक पिंक से फूल लगे हुए हैं, शायद पता नहीं पत्ते हैं पिंक कलर के या फूल हैं, ये मैंने काफ़ी लगे हुए देखो। ये पेड़ ना ये किस चीज़ के पेड़ हैं, ये कोई
फसल है या वैसे ही कोई वाइल्ड वेजिटेशन है, तो इसके बारे में अगर किसी के भाई को पता है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे को ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है। आगे हम पहुंच गए हैं, अगला हमारा स्टेशन आ गया है, तो ये शहर आ गया, ये है स्टेशन गिद्दड़बाहा, GDB इसका कोड है। ये भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है। नस्वार की काफ़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे एक टाइम में होती थी, अब भी पता नहीं है या नहीं है, लेकिन नस्वार के लिए काफ़ी मशहूर है। तो गिद्दड़बाहा की एक छोटी सी कहानी है जो मेरे इंटरनेट पे पढ़ी है। उसका मतलब है, इस गांव का नाम है, पहले पीपली होता था, पीपल का पेड़ था यहाँ पे। तो 1918 में ये स्टेशन बना था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी एक बार यहाँ पे आए था, उन्होंने देखा जो लेडीज है ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं एक गिदड़ की वजह से। तो उन्होंने लोगों को बुलाया और पूछा भी, भाई क्या बताओ क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे सबकी शादियाँ हो गई हैं, एक गिदड़ की शादी नहीं हो रखी, इसीलिए हम सब परेशान हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस गिदड़ का ब्याह ना पीपल से कर दिया। तो गिदड़ का ब्याह से फिर गिदड़ ब्याह, फिर गिदड़ बाहा बन गया ये। तो ये देखो कहानी सही है या गलत है ये मेरे को बताना, बाकी इसके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं, सिर्फ नेट पे मैंने पढ़ा है। तो ये काफ़ी, यहाँ पे कॉटन की मार्केट भी काफ़ी होती थी, अब भी है पता नहीं। तो प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है, पंखे वगैरह, खाने पीने का अरेंजमेंट है। अब गिद्दड़बाहा से हमारी ये गाड़ी चल पड़ी है। इसका जो यहाँ से गिद्दड़बाहा से चलने का जो टाइम था वो था 4:23, 4:26 पे चली है, 3 मिनट डिले है। लेफ्ट साइड में ये स्टेशन था हमारा। तो यहाँ पे ये माल वगैरह लोड करने के लिए काफ़ी बड़ा माल गोदाम वगैरह बना हुआ है, लाइनें भी काफ़ी हैं। तो ये भी इस एरिया का काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग हब माना जाता है। तो जो कराची वाली लाइन थी ना, बठिंडा से कराची वाली लाइन अंग्रेज़ों ने बनाई थी, इधर से सामान कराची बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, ये वही लाइन है। तो अब आगे हमारे बागे बढ़ते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। अब ये एक ना छोटा सा मैंने ये नोट किया, जैसे तो ये जो स्टेशन है दुल्ला कोट भाई, यहाँ पे एक पता नहीं स्टेशन है ये की बिल्डिंग होती थी। अब गाड़ी तो यहाँ रुकी नहीं है ना ही यहाँ पे कुछ है, तो अबेंडेंड है ये स्टेशन, जहाँ पहले होता होगा, बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया इसके बारे में अगर किसी को पता है तो बताना। अब इस सेक्शन पे ये देखो सोलर वाले ना काफ़ी पावर प्लांट लग गए हैं। सोलर का जो कंसेप्ट है ना, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है, जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। देखो हम थर्मल प्लांट लगाते हैं, थर्मल प्लांट में क्या करते हैं हम जी, पोल्यूशन कम करते हैं बिजली जला के। तो थर्मल प्लांट में जब कोला जलाएंगे तब उससे पोल्यूशन हो जाता है, तो फिर पोल्यूशन कम कहाँ होगा बिजली से। कोला जला के बिजली बनाई, फिर बिजली से फिर पोल्यूशन नहीं हमारा कम हो रहा है जी। तो ये कॉन्सेप्ट ना मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा है, जो सोलर वाला है या विंड वाला है ना या पानी वाला, ये एक्चुअली जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनसे जो बिजली बनती है ना, वो मेरे को लगता है उससे पोल्यूशन हमें कम होता है। अब अगला स्टेशन आ गया हमारा है लेफ्ट साइड में बल्लुआना, BHX इसका कोड है बल्लुआना का। यहाँ पे भी ये छोटी सी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग क्या शेड बना हुआ है रेन शेल्टर सा, ये है बिल्डिंग, ये भी रेन शेल्टर है। ये फिर मचान सा आ गया, ये पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, जो वो बड़ी अच्छी लगती है। वैसे ऐसी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें जब हम देखते हैं ना, तो एक ऐसे लगता है कि हम पुराने युग में पहुँच गए हैं। तो दूसरी साइड में एक सिंगल लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ट्रैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन पल्ली साइड में कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ। तो ये बल्लुआना का अभी आपने देख लिया है। अगर आप लोगों को मेरा जो ब्लॉग उससे कुछ अच्छा लगता है या कुछ मेरे को आप सजेशन देना चाहता है तो कमेंट कर दिया करना। यहाँ पे ये क्रॉस हुआ है, एक इंजन गया है ये कोई गाड़ी लेने के लिए। अब बल्लुआना से हमारी गाड़ी चल पड़ी है। बल्लुआना से इसका डिपार्चर जो टाइम था 4:35 था, 4:43 पे चली है, 8 मिनट डिले हो गया है। ये जो इंजन क्रॉस हुआ है उसके कारण इसको 8 मिनट यहाँ पे डिले हो, पहले तो 2-4 मिनट 1 मिनट ऐसे डिले चल रहा था, अभी यहाँ पे इसका 8 मिनट का डिले हो गया है। अब आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं बठिंडा की तरफ। अगर जो मैंने मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं थी ना, जैसे इस स्टेशन पे उर्दू में क्या क्यों लिखा जाता है, और अगर ये जो स्टेशन दिखाता हूँ ना मैं, इसके बारे में आपको कुछ पता है
तो बताना। अगला स्टेशन आ गया बहमन दीवाना, BWX इसका कोड है, ये राइट साइड में स्टेशन आया है। बाकी तो तकरीबन स्टेशन इसके लेफ्ट साइड में आए हैं, या फिर ये एक स्टेशन राइट साइड में आया है। तो इसकी भी छोटी सी बिल्डिंग है, बेंच वगैरह भी लगे हुए हैं, ये सीमेंट वाले ही है। तो बहमन दीवाना का ये स्टेशन है, पीपल का पेड़, पीपल का ये शायद, हाँ कितना बड़ा पेड़ लगा हुआ है। ये भी सिंगल लाइन है, दूसरी साइड में तो खेती हैं। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ना, मैंने काफ़ी वैसे पंजाब का सेक्शन कवर किए हैं, तो वो आप देख लेना। ये जो वैसे आप एक्सप्रेस गाड़ी से आओगे तो बड़े स्टेशन पे आपको छोड़ देगी। अब जो आपका लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपके गांव के पास है, तो यही गाड़ियाँ पहुँचाती हैं ना, सस्ते में आपको वहाँ पहुँचा देंगी। तो बहमन दीवाना से ये हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया। इसका यहाँ से चलने का टाइम था 4:42 पर, 4:50 पे चली, 8 मिनट डिले है। तो बहमन दीवाना से हम अब चले गए हैं। आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसे लगता है तो आप कमेंट करके बताना। वैसे बाकी मेरे पास गैजेट नहीं है, एक फ़ोन ही है भाई, उसी से मैं बनाता हूँ, उसी में एडिट करता हूँ। मेन मेरा पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को जो रूरल इलाका है ना वो दिखाऊं। काफ़ी लोग जो गांव से बहुत देर पहले आ गए हैं, या जो गांव में जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया, तो वो रूरल इलाका कैसे देख पाएंगे। तो यही मेरा मेन पर्पज़ होता है कि आप लोगों को, जैसे हमारा पंजाब है, पंजाब के जो भी रूरल इलाके हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मेरे ख्याल हम बठिंडा के आसपास पहुँच गए हैं। तो गैजेट मेरे पास नहीं है, क्वालिटी जो आपको दिखेगी ना कैमरे की वो भी चलो सो सो ही है। बस मेरा पर्पज़ होता है कि आप लोगों को दिखाना, ये नहीं है कि मेरे को ना तो ये आता है कि भाई सिनेमैटिक सीन डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, वो नहीं मेरे को कुछ आता है। मैं तो जो एक्चुअली ना रॉ जैसा है आपको वैसा दिखाऊंगा, उसमें कुछ ऐड नहीं करूंगा कि उसको बढ़िया बनाने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, नहीं। तो ये बठिंडा का जो हमारा थर्मल प्लांट है निकला, ये बठिंडा थर्मल प्लांट का स्टेशन है, यहाँ पे भी ये गाड़ी रुकी नहीं है, स्किप कर गए, लेकिन स्टेशन मास्टर साहब झंडी दिखा रहे थे। अब आगे ये नहर आ गई है, सरहिंद कैनाल बोलते हैं इसको, सरहिंद नहर है। रोपड़ से शुरू होती है, देखो यहाँ बठिंडा पहुँच गया, रोपड़ से सतलुज में से निकल के ना यहाँ पे बठिंडा तक ये आ गई है। कितना लंबा इसने सफ़र किया है, पंजाब के कितने खेतों को सिंचाई करी है इसने। तो यहाँ मेरे ख्याल थर्मल प्लांट का जो उसकी कूलिंग वगैरह का प्रोसेस है ना, उसके लिए इसका पानी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बठिंडा में ना एक फैक्ट्री भी है, NFL की फैक्ट्री भी है, एक किला भी है यहाँ पे, मेरे ख्याल जू भी है। अब बठिंडा के बारे में आपको बताऊँ, मेरे बड़ी स्ट्रेंज है, यहाँ से ना बहुत ही बड़ा जंक्शन है, ये पंजाब में शायद सबसे बड़ा जंक्शन है। यहाँ से 6 लाइनें जाती हैं, एक लाइन तो जाती है ये बठिंडा अबोहरवाड़ी गंगानगर वाली जिससे हम आते हैं, एक लाइन है हनुमानगढ़ वाली, एक लाइन है सिरसा हिसार वाली, एक लाइन है मानसा बरेटा जाखल वाली, एक लाइन है कोटकपूरा फिरोजपुर वाली, और एक लाइन है धूरी अम्बाला वाली। तो इतना लंबा मेरे ख्याल में कोई शायद पंजाब में मैंने तो कोई देखा नहीं, जहाँ से 6 तरफ की लाइनें चलती हैं। तो बठिंडा पे हम पहुँच गए हैं, बठिंडा पे हमारा जो पहुँचने का इसका शेड्यूल अराइवल था वो 4:55 था, 5:04 पे ये 9 मिनट डिले पहुँची है। ये मेरे ख्याल बिल्डिंग जो इधर भी बनी हुई है, बाकी मेन बिल्डिंग इसकी शायद लेफ्ट साइड में है बठिंडा में। तो ये बठिंडा इधर भी बिल्डिंग बनी है, ऑफिसेज वगैरह हैं इनके, प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है बठिंडा में। तो यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत पुराना है पंजाब का। अब यहाँ से आप चढ़ जाओ पौड़ी, 50 पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच जाओ, ब्रिज बना हुआ। अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो बस स्टैंड वगैरह के लिए, और टिकट ख़रीदना है तो वो भी लेफ़्ट साइड के लिए ही है। तो बाकी अब ये ब्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया है। इसके बाद अगला ब्लॉग मैं शूट करूँगा, वो भी कोशिश करूँगा हर संडे को, यदि बच्चा देखो वह चढ़ रहा है, हर संडे को आपको एक ट्रेन का ब्लॉग दिखाता रहूँगा। अभी मैं कश्मीर भी गया था, उसके भी ब्लॉग मैंने दिखाने हैं, लेकिन उसकी एडिटिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो ये आप आगे बठिंडा का जो स्टेशन है उसको हम छोड़ के बाहर निकलने के लिए पुल पे जा रहे हैं। बाकी
आप लोग कृपया करके अगर मेरा ब्लॉग देखना शुरू करो तो पूरा देखा करो, जिससे कि फिर यूट्यूब आगे ज़्यादा भेजता है। तो ये यहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ है बाहर निकलने के लिए, आप लोगों ने ये ब्लॉग देखने के लिए टाइम निकाला तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे पिछला आप लोगों ने ब्लॉग को सपोर्ट किया देखा, वैसे ही इसको भी करना, तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि मैं 60 साल की उम्र में इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूँ और आप उसको देखते हो। अगर एक भी आदमी को मेरा ब्लॉग देख के कुछ आइडिया या हेल्प मिल जाए ना, तब मेरे को बड़ी खुशी होती है। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल कर मेरा ये ब्लॉग पूरा देखा। नमस्कार, जय हिंद।